અંકલેશ્વરની પાનોલી ઔદ્યોગિક વસાહતમાં નવનિર્મિત કંપનીમાં ચીમનીની કામગીરી દરમિયાન સ્ટ્રક્ચર ધરાશાય થઈ ગયા બાદ ચાર કામદારો 30 મીટરની ઊંચાઈ પર ફસાઈ જતા ફાયર ફાઈટરો રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરી તમામને બચાવ્યા હતા। अंकलेश्वर पानोली औद्योगिक वसाहत में स्टीम हाउस लिमिटेड नाम की नवनिर्मित कंपनी की चीमनी बांधकाम चालू रहा कामदारों पर कामगिरी कर रहा था दरमियान अचानक स्ट्रक्चर थी जता 30 मीटर की ऊंचाई पर चार जेटला कामदारों फसाई गया था। कामदारों ऊंचाई पर फसाई जता दौड़धाम मची जवा पमी थी। आ अंगे जाण करवामां आवता ज फायर फाइटरो घटनास्थले दौड़ी आव्या हता। फायर फाइटरो द्वारा तात्कालिक बचाव कार्य शुरू करवामां आव्यो हतो। क्रेननी मददथी कामदारोनो रेस्क्यू करी तेमने सलामत रीते नीचे उतारवामां आव्या हता। लगभग 1.5 कलाक जेटो समय कामदारों 30 मीटरनी ऊंचाई पर विताव्यो हतो। तमाम कामदारोने सुरक्षित रीते नीचे उतारी लेवाता तमाम लोकोए हाशकारो अनुभव्यो हतो। मैं फायर ऑफिसर विजय यादव पानोली जीआईडीसी से 11:30 बजे जैसा हमें स्टीम हाउस से कॉल आता है कि चार लोग चिमनी के ऊपर फंस गए हैं। तो हमारी टीम ने वहां जाके देखा और उसके बाद हमें क्रेन की ज़रूरत पड़ी तो हमने अंकलेश्वर से क्रेन मंगाया और क्रेन मंगाने के बाद उनको सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया। अभी तो वो स्वस्थ है पूरी रूप से। उनसे हमने फिजिकली जाके बात किया तो वो चारों लोग स्वस्थ है और अभी उन लोग को खाना खाने के लिए भेजा हुआ है उनकी टीम के साथ। इंसिडेंट कैसे बनाया? इंसिडेंट के बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही कॉल आया हुआ था कि चार लोग चिमनी के ऊपर फंस गए। हमारा जो स्कैफोल्डिंग बांधा हुआ है वो नीचे खिसक गया है तो हमारे चार लोग ऊपर फंसे हुए हैं। कितने घंटे ये लोग फंसे रहे और कितनी देर में आपने ये रेस्क्यू किया? 1 से 1.5 घंटे जैसा उन लोग ने ऊपर सरवाइव किया क्योंकि अंकलेश्वर से क्रेन आने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद यहाँ क्रेन असेंबल हुआ उसके बाद पर उनको फाइनली सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया हमारी टीम द्वारा। हाइट 120 फीट जैसा होगा अप्रॉक्स। थैंक यू।